दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय इस मंदिर में धड़कता है जो कि उड़ीसा राज्य के पूरी जगन्नाथ मंदिर में है। वैसे तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में तो कई मिस्ट्रीज हैं और दोस्तों बताया जाता है कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया लेकिन उनका हृदय यानी दिल धड़क रहा था, जिसे अग्नि भी जला नहीं पाई थी। और इस दृश्य को देखकर पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए थे। और बताया जाता है कि तब आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है और इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। तब पांडवों ने बिल्कुल ऐसा ही किया और कहा जाता है कि जब इस हृदय को समुद्र में प्रवाहित किया गया तो इसने एक लकड़ी के लट्ठे का रूप धारण कर लिया और बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर जा पहुंचा। और उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वे एक लट्ठे के रूप में समुद्र तट पर हैं। और सुबह होते राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर गए और जाकर उस लट्ठे को प्रणाम किया और अपने साथ ले आए। और इस लट्ठे से विश्वकर्मा जी ने मूर्ति का निर्माण किया था। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे हर 12 साल में बदला भी जाता है, जिसे नव कलेवर या पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। और जब इस मूर्ति को बदला जाता है तब उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और जो पुजारी मूर्ति को बदलता है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। और दोस्तों, जब पुजारी इस प्रक्रिया यानी रस्म को निभा रहा होता है तो उस समय ऐसा लगता है कि कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय गलती से भी देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके कारण ही पुजारी की आंखों पर पट्टी, हाथों में ग्लव्स और पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं।